हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, ब्रीड्स एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स। पोल्ट्री बर्ड के अंतर्गत हमने चिकन के बारे में पढ़ा, चिकन के ब्रीड्स और स्ट्रेंथ्स के बारे में। तो आज इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करने चाह रहे हैं डक के ब्रीड और स्ट्रेंथ्स के बारे में। तो डक मतलब बत्तख। तो बत्तख के कितने क्या क्या ब्रीड्स हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ्स है उसके बारे में। तो डक क्या होता है? यह चिकन जैसा, मुर्गे जैसा एक जानवर है जो कि अंडे के लिए या फिर मीट के लिए पाला जाता है क्या, या फिर कभी कभी एग्जीबिशन पर्पस के लिए। कभी कभी मतलब जैसे कहीं पे दिखावटी शो हो रहा है, या फिर तो कहीं जैसे कोई तालाब वालाब है तो वहां पर डक का यूज, डक को छोड़ दिया जाता है सुंदरता के लिए। अगर और बात की जाए पूरे दुनिया में, तो डक जो है पॉपुलर है मीट पर्पज के लिए, जबकि भारत में और कुछ कंट्रीज में यह पॉपुलर है अंडे के लिए। क्या, इसका अंडे के लिए। आगे बात किया जाए डक में, तो मोस्कोवी डक जो होता है, मोस्कोवी डक यह डिफर करता है कुछ और से, किस लिए? सिर्फ इनक्यूबेशन पीरियड में, इनके अंडे के पीरियड में 35 दिन के अंतराल का, जो कि 28 दिन अदर ब्रीड में होता है। मतलब करीबन 7 दिन का अंतराल आता है इनके इनक्यूबेशन, अंडे फूटने की प्रक्रिया में। जो ड्रेक मतलब डक में जो होता है, मेल को ड्रेक कहते हैं और फीमेल को डक कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब मेल वाले को ड्रेक कहा जाता है और फीमेल वाले को डक कहा जाता है। आगे बात किया जाए हम लोग इसमें, ये वैरायटीज जो हैं, इसमें वैरायटीज जो हैं, एक कलर इनका जो अंडा है ये हल्का सा लाइट ब्राउन होता है। क्या, लाइट ब्राउन कलर होता है। इसमें एक्सेप्शन क्या, इंडियन रनर्स प्रोड्यूस व्हाइट एग, सिर्फ एक जो है इंडियन रनर ये सफेद अंडा प्रोड्यूस करता है। आगे बात किया जाए कयूगा और ब्लैक ईस्ट इंडीज, ये ब्लैक अंडे प्रोड्यूस करते हैं। बिगनिंग ऑफ प्रोडक्शन चेंज ब्लू इन प्रोडक्शन प्रोग्रेशन, कुछ में ब्लू कलर का। रोमन प्रोड्यूस ब्लू एग, रोवेन जो होता है वह नीला अंडा देता है और साथ साथ सफेद अंडा भी देता है। कौन, रोवेन। इंडिजीनियस डक के बारे में ये एक फिगर देख सकते हैं, जैसे कि ये इंडिजीनियस डक का फिगर है। अब हम लोग कुछ इसकी वैरायटीज पढ़ा जाए, उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो डक जो है पूरे अंडे के मामले में बात किया जाए हमारे देश में, तो सेकेंड प्लेस लेता है। क्या, दूसरी जगह है इसका अंडे के मामले में प्रोड्यूस करने में। ज्यादातर जो डक है वो कहाँ कहाँ है, तो असम में, पश्चिम बंगाल में, उसके बाद आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा और साथ साथ उत्तर प्रदेश में डक का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जा सकता है। इनका यूज, डक का यूज इन राज्यों में होता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ वैरायटीज की। तो अंडे वाली वैरायटीज की बात करें, तो अंडे वाली वैरायटीज में पहली वैरायटी खाकी, कैंपबेल और इंडियन रनर, ये कुछ तीन वैरायटीज जो है ये अंडे के लिए पाली जाती है भारत में। तो बात किया जाए खाकी कैंपबेल पहला। क्या, खाकी कैंपबेल जो है यह वैरायटी इंग्लैंड से डेवलप हुई है, जो कि क्रॉस की गई है किससे, रोनेन और व्हाइट इंडियन रनर से, उसके बाद मलाट से। ये खाकी कलर में हल्का होता है। इनका जो सिर का हेड होता है, मतलब मेल जो होता है वो बड़ा होता है फीमेल से। उसके बाद इनका जो बिल मतलब जो ऊपर का चोच वाला हिस्सा होता है वो काले कलर में होता है। बॉडी का जो कलर होता है खाकी कैंपबेल कलर होता है। 280 से 300 अंडा प्रति ईयर ये प्रोड्यूस करते हैं। ये 365 अंडा मतलब हर साल एक अंडा बिना किसी रुकावट के प्रति साल पूरा साल अंडा देते रह जाते हैं ये बत्तख। उसके बाद इनके स्टैंडर्ड वेट की बात की जाए, तो मुर्गे का वेट मतलब ये बत्तख जो मेल बत्तख है उसका वेट 2.2 से 2.4 केजी, और जो फीमेल बत्तख है, बत्तखिया है, उसका 2.0 से 2.2 केजी होता है। ये आप फिगर देख सकते हैं खाकी कैंपबेल का। अगला वैरायटी हम लोग जो पढ़ना है, अगला ब्रीड वो है इंडियन रनर। क्या, इंडियन रनर। इंडिया खाकी कैंपबेल के बाद इंडियन रनर का भी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है एक प्रोडक्शन में। क्यों, क्योंकि यह ब्रीड इंडोनेशिया की है। उसके बाद इसके तीन स्टैंडर्ड वैरायटी हैं इंडियन रनर के, व्हाइट, पेंसिलिन और फॉन। इनका जो बॉडी होता है वो चौड़ा होता है सामने से, और पीछे की तरफ से हल्का सा टेपरिंग होता है, मुड़ा हुआ मतलब कि तिरछा होता है।
यह 250 से 280 अंडा प्रति ईयर प्रति बर्ड देती हैं। इनका जो ड्रेक और डक का वेट है, वजन है 1.6 से 2.2 केजी मेल बत्तख का, 1.4 से 2 केजी फीमेल बत्तख का वजन होता है। अगला हम लोग बात किया जाए मीट टाइप में, मतलब मांस के लिए उपयोग होने वाले बत्तख। तो मांस के लिए उपयोग होने वाले बत्तख में तीन वेराइटीज हैं, तीन ब्रीड्स हैं, एसलबरी, मस्कोवी और पेकिन। ये तीन मांस के लिए यूज किए जाते हैं बत्तखों का वेराइटी, जो कि भारत में पाले जाते हैं। जैसे अब हम लोग एक एक के बारे में स्टडी करते हैं। एसलबरी, एसलबरी कहाँ का है? यह इंग्लैंड की पक्षी है, जो कि बोथ सेक्स, इसके जो मतलब मेल और फीमेल जो दोनों होते हैं, दोनों सफेद कलर में होते हैं। इनका जो पैर होता है यह हल्का सा ऑरेंज कलर में होता है, संतरे कलर में होता है, और जो चोंच होता है वह येलो कलर में होता है। क्या? येलो कलर में। ये बहुत ही अच्छा क्रीमी व्हाइट फ्लेस, इनका मांस बहुत अच्छा होता है। उसके बाद इनका जो स्टैंडर्ड वेट होता है वह करीबन मेल का, मेल ड्रेक का जो है मेल का वह 4.5 केजी और फीमेल का जो है 4 केजी बत्तख का, डक का। उसके बाद दूसरा वेराइटी जो है वो है मस्कोवी। मस्कोवी का फिगर यहाँ देख सकते हैं। इसके बारे में स्टडी किया जाए तो यह ओरिजिनेट हुआ है साउथ अमेरिका से। इसमें कोई फिगर नहीं होता इनके चेहरे पर, और इनका जो स्किन होता है ब्राइट रेड कलर का होता है, और जो कलर अराउंड द आईज, उनके आंखों के बगल में थोड़ा सा कलरफुल सुंदर जैसा आकृति बना होता है। इनका जो अपीयरेंस है वह क्रेस्ट की तरह इनका दिखता है सीने पर। वॉइस इनका कोई करेक्टर नहीं बताता है कि इनके मतलब कि मेल फीमेल में वॉइस से कोई पहचान नहीं की जा सकती। इनक्यूबेशन पीरियड, जो अंडे के फूटने का पीरियड है, वह 35 दिन है। और इसमें जो मस्कोवीज हैं जब क्रॉस करते हैं किसी और ब्रीड से तो प्रोड्यूस करते हैं स्टेराइल डक, मतलब म्यूल डक। मतलब जब इन्हें किसी और वेराइटी से क्रॉस कराया जाता है इनके मेल को, तो इसमें जो प्रोड्यूस होते हैं प्रोजनी, वो फिर से प्रोजनी प्रोड्यूस करने लायक नहीं रहती, वे स्टेराइल प्रोजनी प्रोड्यूस करते हैं। इसका स्टैंडर्ड वेट जो होता है वह जो मेल बत्तख का 4.5 केजी से 6.4 केजी तक, और फीमेल बत्तख का 2.2 से 3.1 केजी तक होता है। आप फिगर में देख सकते हैं मस्कोवी डक के बारे में। आगे पेकिन, क्या पेकिन? ये जो वैरायटी है ये चाइना से ओरिजिनेट हुई है। चाइना से ओरिजिनेट होने के बाद यह व्हाइट वैरायटी है, मतलब सफेद कलर की होती है, और मोस्ट पॉपुलर है मीट के लिए, मतलब मांस प्रोड्यूसन के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर वैरायटीज है। यह क्रीमी व्हाइट प्लूमेज, येलो फ्लेश, इसका मांस पीला भी हो सकता है। लंबा ब्रॉड डीप बॉडी, लंबी होती है, चौड़ी होती है, और गहरी इनका शरीर होता है। जो चोंच होता है वह हल्का सा ऑरेंज कलर में होता है। उसके बाद जो व्हाइट पेकिंस हैं वो करीबन 2.2 से 2.5 केजी वजन ले सकते हैं 7 वीक के अंदर ही, 7 हफ्ते के अंदर ही इनका वजन 2.2 से 2.5 केजी तक हो जाता है। इनका जो फीड कन्वर्जन रेशियो है वह 1:1.26 से 3 केजी है, मतलब 3 केजी ग्रेन में या 1 किलो मांस तक प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये 160 अंडे सालिना देते हैं एक चिड़, इसकी एक बर्ड। उसके बाद स्टैंडर्ड वेट जो होता है वह 4.5 से 3.6 केजी रिस्पेक्टिवली, मतलब ड्रेक और डक का होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये डक के ब्रीड्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेल के ब्रीड्स के बारे में। कुछ यहाँ आप व्हाइट पेकिन का फिगर देख सकते हैं, जो सफेद वाली बत्तख दिखती हैं वो व्हाइट पेकिन ही होती है, जो हमारे भारत में पाली जाती हैं। वैसे यहाँ पर फॉल के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें क्वेल के बारे में, हमारे सिलेबस में था तो हम सिलेबस में से क्वेल के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर किसी को फॉल के बारे में पढ़ना है या फिर तो वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से पीडीएफ से पढ़ सकता है। आगे हम लोग क्वेल के बारे में बात करें तो क्वेल जो है, या क्वेल प्रोडक्शन इज एन आइडियल अल्टरनेटिव ऑफ बूस्ट पोल्ट्री प्रोडक्शन इन रूरल इंडिया। जो देहाती भारत है, मतलब देहाती जगह है, वहाँ पर जब बत्तख या फिर मुर्गा का पालन नहीं हो पाता है तो वहाँ पर पालन किया जाता है क्वेल का। क्वेल का हिंदी मीनिंग होता है बटेर। क्या? बटेर का पालन मांस के लिए। भारत की बात की जाए तो भारत के गांवों में इसकी यूज मांस के पर्पज के लिए, क्यों? क्योंकि इसमें अच्छा प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद गांवों में माल न्यूट्रिशन,
पोषण तत्वों की कमी जो हो जाती है उससे भी बचने का यह अच्छा उपाय है। भारत में क्वेल को बटेर कहा जाता है, जैसा कि हमने पहले ही बताया। उसके बाद क्वेल का जो मीट होता है, अंडा होता है, यह बहुत ही अच्छा डिलीशियस होता है, बहुत ही अच्छा होता है। उसमें फैट कम होता है, कैल्शियम ज्यादा होता है। उसके बाद इनमें जो जल सबसे बड़ी बात है, यह बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं और इन्हें तैयार करने में बहुत ही कम पैसा लगता है। एक फिगर यहाँ पर दिया हुआ है जापानीज क्वेल का, जो कि मेल और फीमेल है, तो आप यहाँ पर फिगर देख सकते हैं। कुछ और जैसे कि भारत में कुछ जापानीज क्वेल की कुछ वैरायटीज को बढ़ाया गया, जो कि CARI मतलब सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस पर रिसर्च किया गया, इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में। 1974 से 76 में इसे USA से लाया गया था। उसके बाद यह फैला सेंट्रल गवर्नमेंट पोल्ट्री ऑर्गेनाइजेशन तक। यह जो चिड़िया है यह 150 से 180 ग्राम की होती है और ये इसका मेल होता है 120 से 130 ग्राम का होता है। उसके बाद यह जो मांस है इसका 5 वीक्स में बहुत ही अच्छा डिलीशियस हो जाता है, इसका मीट मतलब खाने लायक हो जाता है, और 5 से 6 वीक्स तक ही ये बहुत ही अच्छे तैयार हो जाते हैं अंडे देने के लिए भी, और 9 से 10 वीक तक के वेज तक मतलब 9 से 10 हफ्ते तक ये अंडा देते हैं। ये सालीना करीबन 250 अंडे देते हैं पर क्वेल, मतलब हर एक चिड़िया एक साल में 250 अंडे दे सकती है। उसके बाद जो एवरेज वेट होता है एक अंडे का, यह 10 ग्राम होता है, क्या 10 ग्राम का अंडा ये देती हैं। हैचिंग पीरियड जो है वो 6 से 7, यह जो हैचिंग के बाद ये 600 से 7 ग्राम के बच्चे इसमें से निकलते हैं एक बार में। वैसे आपको फिगर में यहाँ पे टर्की के बारे में भी दिख जाएगा, लेकिन हम लोग को टर्की के बारे में स्टडी नहीं करना है, तो आप जिसके बारे में आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटीज के बारे में हम लोग बात कर लें, जैसे चिकन का, उसके बाद फॉल्स का, क्वेल्स का, तो डक का, तो कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटीज जैसे कि ग्रामा प्रिया। क्या ग्रामा प्रिया एक इम्प्रूव वेराइटी है जो ICCR, DPR, PDP हैदराबाद तेलंगाना में इसको इम्प्रूव किया गया है। एक क्रिसिभो, एक सिंधी और एक वन राजा, ये कुछ वेराइटीज हैं जिनका जिन्हें क्या इम्प्रूव्ड किया गया है बाद में ला करके ICR पर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च पर। समरी के बारे में बात कर लें हम लोग, तो समरी जो है इसका ब्रीड्स वेराइटीज एंड स्ट्रेन्स ऑल हैव डिस्कस्ड वेल, इसमें हमने जो था सभी चीज के बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया। उसके बाद जो सभी यूजफुल इम्प्रूव वेराइटीज हैं, एक टाइप चिकन टाइप, डक, क्वेल, उसके साथ साथ जो वेराइटीज इम्प्रूव की गई हैं ICAR, CARI, ICR, DPR के द्वारा ब्रीडिंग प्रोग्राम में, तो इन सभी के बारे में स्टडी कर लिया। ये कुछ रिसोर्स हैं जहाँ से हमने ये सभी टॉपिक्स के बारे में कलेक्ट किया था इन्फॉर्मेशन, तो आप इसके बारे में देख सकते हैं। उसके बाद आप इस PDF से स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इन 3 लेक्चरों में आपको पूरे टॉपिक के बारे में, जो कि मतलब कि BSc AG 4 सेमेस्टर का पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत ब्रीड्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ पोल्ट्री के अंतर्गत चिकेंस, डक और क्वेल के बारे में पढ़ना था, तो हमने ये कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट हो या फिर अभी भी आपको कुछ और एक्स्ट्रा जानना हो, तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, हम उसे जरूर बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, आगे मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।